नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 का दूसरा चरण यूएई में अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। आईपीएल सीजन 14 की तैयारियां इन दिनों काफी जोरों पर हैं। सभी टीमों के सभी खिलाड़ी इन दिनों जी जान से आईपीएल सीजन 14 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। खिलाड़ी नेट्स में मेहनत करने में जुटे हैं, तो वहीं नेट्स के बाहर भविष्यवाणियों और सुझावों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम ने भी आईपीएल सीजन 14 के दूसरे चरण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबा करीम ने मुंबई इंडियंस के स्टार कप्तान रोहित शर्मा को लेकर ये बयान दिया है। दरअसल आईपीएल सीजन 14 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है और इस बार भी मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट के जीत के दावेदारों के तौर पर ही देखा जा रहा है। मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम ने कहा है कि मुंबई इंडियंस ने कई बार ट्रॉफी जीतने का काम किया है और रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं, लिहाजा उन्हें उनकी बैटिंग में सुधार लाने की जरूरत है। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम ने एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कहा कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की बैटिंग में सुधार करने की जरूरत है। दरअसल सबा करीम के मुताबिक रोहित शर्मा हमेशा से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी ये फॉर्म वो आईपीएल में बरकरार नहीं रख पाते। सबा करीम ने कहा कि मुंबई में कई मैच विनर हैं, लिहाजा रोहित शर्मा को भी बेहतरीन प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहना चाहिए, क्योंकि कप्तान होने के साथ साथ रोहित टीम के एक अहम बल्लेबाज हैं। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी ने ये भी कहा आगे कि जब आप लंबे समय से कप्तानी कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान तैयारी और स्वभाव खराब हो जाता है। आप एक कप्तान के रूप में बल्लेबाजी और गेंदबाजी रणनीतियों पर ज्यादा सोचते हैं। एक कप्तान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वो बल्लेबाजी के लिए जाए तो उसमें स्पष्टता हो। बहरहाल आईपीएल सीजन 14 की बात करें तो इसका आगाज 17 सितंबर से होने जा रहा है। पहले मैच में मुंबई और चेन्नई के बीच भिड़ंत होनी है। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर मुंबई इंडियंस चौथे पोजीशन पर है, लिहाजा टीम को इस बार जीत के दावेदारों के तौर पर ही देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।